नमस्कार छात्रों, मैं प्रभाकर बिसेन वीवी स्टडी की तरफ से। हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। हमने पिछले लेक्चर पे पढ़ा, सारी की सारी 9 कंडीशंस को हमने देखा था। 9वीं कंडीशन पे पहली कंडीशन के लिए क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। पहली कंडीशन थी लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। ऐसी लाइन का प्रोजेक्शन हमको बनाना था जो कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों से पैरेलल हो, समांतर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन इस कंडीशन में किस टाइप से आता है ये देख लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 8वीं कंडीशन तक के क्वेश्चन हम 2-4-6 क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि हमको समझ में आए कि बेसिक्स क्या है। ठीक है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ 60mm लॉन्ग लाइन। अर्थात सारे प्यारे प्यारे बच्चों, सबको पता है प्रोजेक्शन ऑफ अ 60mm लॉन्ग लाइन ए बी, अर्थात ऐसी लाइन जिसकी लंबाई कितनी है, 60mm है, मतलब 6 सेंटीमीटर है। और लाइन ए बी, मतलब लाइन का नाम क्या है, ए बी है। एक लाइन है, इसका नाम क्या है, ए बी। स्टार्टिंग पॉइंट का नाम ए है, एंडिंग पॉइंट का नाम बी है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, 60mm लॉन्ग। इसी को हम 6 सेंटीमीटर भी कहते हैं। क्लियर है। अगली वर्डिंग देखते हैं, विच इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों से क्या हो, पैरेलल हो। पॉइंट ए, मतलब ए पहला पॉइंट, 20mm अबव द एचपी। एचपी से कितना अबव है, 20mm। एंड 30mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी से कितना सामने है, 30mm ऑफ वीपी। ठीक है, क्वेश्चन की वर्डिंग से हमको समझना। तो ये ए पॉइंट की पोजीशन हो गई और ये आपकी बी पॉइंट की पोजीशन हो गई। ठीक है, सॉरी, ए पॉइंट की सेकेंड पोजीशन हो गई। ए पॉइंट की पोजीशन है ए 20mm अबव द एचपी एंड 30mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सर बी पॉइंट की तो पोजीशन नहीं दी, तो क्या ड्राइंग बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी। किस तरीके से बनाना है हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्शन को 3D व्यू पे समझने की कोशिश करेंगे। हथियार अपने उठा लेते हैं, हथियार, जुगाड़, जो आप इसे कहना चाहें। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है हमें, अबव द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है सर, आपने बहुत अच्छे से हमको पहले समझाया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फ्रंट ऑफ वीपी अबव द एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी अबव द एचपी। कितना, पॉइंट ए सबसे पहले, विच इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों से क्या है, समांतर है। तो हम सबसे पहले समांतर वाली कंडीशन देख लेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, नहीं आया है समझ में, पिछले लेक्चर पे जाके बेसिक को क्लियर करें जहां से प्रोजेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है जब ये वीपी के भी पैरेलल होता है और एचपी के भी पैरेलल होता है। ठीक है, अगर मैंने इसको कहीं भी घुमाने की कोशिश करी ऊपर नीचे, तो ये किसी ना किसी प्लेन से इंक्लाइंड हो जाता है। ठीक है, पैरेलल किस कंडीशन पे होगा, ये कंडीशन होगी। इधर से देखा एक्स वाई लाइन के पैरेलल दिखेगा, टॉप से देखा तो भी एक्स वाई लाइन के पैरेलल दिखेगा। देखिए, ये होती है एक्स वाई लाइन, ये है आपकी एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन के पैरेलल, फ्रंट से देखा तो भी पैरेलल। इस कंडीशन को, इस कंडीशन पे क्या होगा, पैरेलल टू बोथ एचपी। अब देखिए, पॉइंट ए की पोजीशन सर दी हुई है कितनी, 20mm अबव द एचपी। तो मैं, पॉइंट ए है मेरा, मैंने 20mm अबव द एचपी कर दिया। अब ये डिस्टेंस जो है फ्रंट व्यू पे मुझे दिखेगी, एक्स वाई लाइन के ऊपर दिखेगी, और पॉइंट ए की पोजीशन क्या होगी, 20mm अबव द एचपी, 20mm अबव द एचपी। यहां पर मुझे पॉइंट दिख रहा है सर। अब बी का क्या करें फ्रंट व्यू के लिए? तो बच्चों, हमें पता है कि ये पैरेलल की कंडीशन पे कैसी दिखती है, एक्स वाई के बिल्कुल पैरेलल होती है। जब एचपी से पैरेलल होगी तो एक्स वाई के भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखा, तो बी पॉइंट की पोजीशन को हम फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन के पैरेलल लाइन खींच देंगे। बी पॉइंट हमारा आ जाएगा कितनी दूरी पर, 60mm लॉन्ग। प्रोजेक्शन जब हम इसका फाइनली बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सेम उसी तरह से समझते हैं, 30mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, इसका काम हो गया, यही पॉइंट है 30mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब मैं टॉप से जाकर के देखूंगा तो ये पॉइंट का प्रोजेक्शन जो है मुझे एचपी पर दिखेगा, और एक्स वाई लाइन से कितना नीचे दिखेगा, 30mm नीचे दिखेगा। ठीक है, क्लियर। अब समझते हैं, ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। रोलर स्केल ले लें, रोलर स्केल लें,
रोलर स्केल की सहायता से, या आप चाहे ड्रॉप्टर का इस्तेमाल करें, आप चाहे किसी और हथकंडे का इस्तेमाल करें, आपको बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच देनी है जिसका नाम है एक्स वाई। क्या है? एक्स वाई, ये लाइन है आपकी एक्स वाई, इसी को हम रेफरेंस लाइन भी कहते हैं, इसी को हम रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट की पोजीशन क्या दी थी? 20 mm above the HP। तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो 20 mm above the HP कहां दिखेगा? VP पर। above the HP कहां दिखेगा? XY लाइन के ऊपर। 20 mm above the HP, above the HP आया मतलब XY लाइन के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ VP आया मतलब XY लाइन के नीचे। तो पॉइंट ए की पोजीशन को हम फिक्स करते हैं पहले, उसके बाद में पॉइंट ए को बी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, XY लाइन के परपेंडिकुलर, सर कहां से, यहां से खींचूं, यहां से खींचूं, कहां से? तो स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी जगह छोड़े एक्स वाई लाइन की और पहले पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करना स्टार्ट करें। आप बिल्कुल सीधी लाइन या फिर सीधा प्रोजेक्शन डाल देंगे नीचे तक। क्यों? उसका भी रीजन अभी हम समझेंगे। ठीक है कि सर ये आपने क्यों किया, अभी तो हम ऊपर की बात करते, आपने नीचे तक के प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया, क्यों किया ये बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच लें या फिर दूसरे आपके हथियार का इस्तेमाल करें। आप क्या करें, एक्स वाई लाइन पे इसको बिल्कुल फिक्स करें सेट स्क्वायर को, और आप सीधी लाइन खींच देंगे तब भी ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। क्लियर है? अब क्या करना है सर, आगे की कार्यवाही भी बता दीजिए आप। तो हमने क्या किया, 20 mm अबव द एचपी स्केल लिया और स्केल की सहायता से देखा 20 mm कहां पर आ रहा है, जहां पॉइंट आ रहा था वहां पर हमने एक पॉइंट बना दिया और उसको नाम दे दिया क्या, ए डैश। क्यों? क्योंकि फ्रंट व्यू की बात हो रही है। अब सर पॉइंट ए का फ्रंट व्यू तो हमने बना लिया, पॉइंट ए का टॉप व्यू 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, विद टॉप व्यू पे बनता है और एक्स वाई लाइन के नीचे बनता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एक पॉइंट का प्रोजेक्शन एक ही लाइन पर होता है, टॉप व्यू हो या फ्रंट व्यू हो। तो फिर से हमने स्केल लगाया और देखा 30 mm कहां पर आ रहा है, 30 mm जहां पर आ रहा था वहां हमने पॉइंट लगाया और इस पॉइंट को नाम दे दिया क्या, ए। टॉप व्यू को हम विदाउट डैश रिप्रेजेंट करते हैं या फिर दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है सर, आगे की कार्रवाई, पॉइंट बी चाहिए, हमें पता है पैरेलल टू बोथ प्लेन है, पैरेलल टू बोथ प्लेन है, बिल्कुल सीधा दिखेगा, फ्रंट व्यू से देखेंगे पॉइंट ए यहां है। तो पॉइंट बी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी कि एक्स वाई के पैरेलल हो और जहां पर 60 mm आएगा वहां मैं पॉइंट लगा दूंगा, पॉइंट बी डैश की पोजीशन मुझे मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, लोकस डालेंगे, लोकस डालेंगे कहां से, ए डैश से बिल्कुल सीधा। जाने दो आगे तक, कितनी लंबी लाइन सर, आपकी इच्छा, स्वेच्छा के हिसाब से लाइन खींचिए। ठीक है, ए ए से भी हम क्या करेंगे, एक लोकस ड्रॉ कर देंगे जो लोकस एक्स वाई के बिल्कुल पैरेलल हो। अब आगे क्या करना है आपको, 60 mm, ठीक है, एक्स वाई लाइन मैंने थोड़ी सी छोटी कर ली थी बच्चों, माफी चाहूंगा आपसे, इसको हम थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे। ठीक है, पेंसिल से आप ड्रॉ करेंगे तो छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें अंदाज़ा आपका इतना सटीक हो कि आपको बार बार मिटाने की ज़रूरत ना पड़े। बार बार मिटाने से ड्राइंग आपकी ख़राब होने लग जाती है, बेकार दिखने लग जाती है। ठीक है, हमने क्या किया, लाइन की लंबाई कितनी है, 60 mm लॉन्ग, तो हमने पॉइंट लिया और 60 mm जहां पर आ रहा था वहां पर एक पॉइंट निशान लगा दिया। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, बी डेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डेस हो जाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, बी पॉइंट का फ्रंट व्यू, पॉइंट बी का फ्रंट व्यू। तो हमें पॉइंट का प्रोजेक्शन नहीं, लाइन का दिखाना है। तो ए बी आपकी लाइन जो थी वो यहां पर बन चुकी है और इस लाइन को हम कर देंगे डार्क। डार्क क्यों कर देंगे, क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन हमको दिखाना होता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा डार्क होता है। जैसे कि पॉइंट का प्रोजेक्शन हम दिखाए थे तो पॉइंट डार्क था, लाइन का फ्रंट व्यू हमको यहां से मिल चुका है,
अब टॉप व्यू पे आ जाते हैं। टॉप व्यू के लिए पॉइंट ए का टॉप व्यू हमें पता था कहाँ है, हमें पता है एक्स वाई लाइन के रेफरेंस बिल्कुल पैरेलल जाना है उसको। तो बी पॉइंट की पोजीशन पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल पैरेलल लाइन खींच देंगे पॉइंट ए से होती हुई, जो कि टॉप व्यू के बी पॉइंट को कहीं पर मिलाएगी। आप चाहें तो यहां से 60 mm देख लें कहां पर पहुंच रहा है, 60 mm पे आर्क लगा दें। पहला तरीका, ये आपको पॉइंट बी मिल गया। दूसरा तरीका, आप चाहें तो बी डेस से लोकस डालें, बी डेस से लोकस ड्रॉ करें, वो जहां पर ए की बी डेस से प्रोजेक्शन डालना है, जहां पर ए के लोकस को क्रॉस कर रहा होगा वहीं पर आपको पॉइंट बी का टॉप व्यू मिल जाएगा। ठीक है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो प्रोजेक्शन एक ही लाइन पर होते हैं। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों के पॉइंट हो लाइन हो आपको कहां पर मिल जाएंगे, एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज हमको दिखानी है भाई, लाइन दिखानी है, लाइन को हम डार्क कर देंगे। स्केल लिया, लाइन को डार्क कर दिया, ये आपका बन गया टॉप व्यू। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपका क्लियर हो गया। ठीक है, एक पहली कंडीशन है जहां पर पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी जब लाइन होती है तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लंबाई ट्रू लेंथ के बराबर होती है, दोनों लेंथ आपकी समान हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट काम हमारा बचता है क्या, डाइमेंशंस दिखाना। सीधी लाइन खींचे, बिल्कुल पतली बिल्कुल लाइट, बी डेस से भी सीधी लाइन खींचे, फ्रंट व्यू या एक्स वाई लाइन जहां से भी हम कहें फ्रंट व्यू के बिल्कुल पैरेलल लाइन खींच देंगे, एरो बना देंगे, ये हमने एरो बना दिया। एरो बनाने के बाद में कितना था भैया, 60 mm, यहां हमने मेंशन कर दिया 60 mm लॉन्ग लाइन है। ठीक उसी तरह से अब डाइमेंशंस आपको इनके भी दिखाने हैं पॉइंट के, कि पॉइंट ए की पोजीशन कितनी थी, पॉइंट बी की कितनी थी, दोनों समान थी तो बी को दिखाने की जरूरत नहीं, ए को जब आप दिखाएंगे दूसरा समझ में खुद ही आ जाएगा। सीधी लाइन खींच दे, रेफरेंस लाइन से मतलब एचपी से कितना ऊपर था भैया, 20 mm था सर, तो आप यहां लिख देंगे 20 mm। आप चाहें तो सिर्फ 20 भी लिख सकते हैं, लास्ट में ये लिख सकते हैं कि ऑल डाइमेंशन शोन इन mm। ठीक है, ठीक उसी तरह से कितना सामने था वीपी से, 30 mm, तो मैं यहां पर डाइमेंशंस दिखाऊंगा तो क्या लिख दूंगा, 30 mm, ये हमने डाइमेंशंस शो कर दिए। इस तरह से आपकी कंप्लीट ड्राइंग इस क्वेश्चन के लिए यहां पर आ चुकी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धन्यवाद। दिखा रहे हैं तो नमस्कार छात्रों, मैं आपका अपना प्रभाकर बिसेन। जो भी लेक्चर आप अभी तक आप देख रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म है वीवी स्टडी। वीवी एजुकेशनल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बुक्स या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और किसी भी टाइप की एजुकेशनल सर्विस आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बुक्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी चीज़ें आपको होम डिलीवरी की सुविधा हम देते हैं। ठीक है, वीवी स्टडी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वीवी करें अंडरस्कोप करें स्टडी करें, इंस्टाग्राम पे जाएं, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ में प्ले स्टोर पर आपको वीवी स्टडी का एप्लीकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे जाएं, आप उसको एनरोल करें और वहां से आप पाएंगे कि आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट के आपको लेक्चर देखने हो वहां से बेहतरीन तरीके से और सारे के सारे लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से मैं प्रभाकर बिसेन वीवी स्टडी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। लाइन डार्क हो जाएगी।